पंजाब और उत्तर प्रदेश में कल तीसरे दौर की वोटिंग खत्म हो गई और करीब 60% से ज्यादा वोटिंग भी हुई। अब आज से सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में ताकत झोंकने वाली है। बीजेपी की ओर से अमित शाह, योगी, नड्डा, हर बड़ा नेता रैली रोड शो करने वाला है। अखिलेश भी आज कई रैलियां करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से तीसरे दौर की वोटिंग खत्म हुई, यूपी से लेकर पंजाब तक कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी हूँ। मोदी जी और योगी जी लंबी लंबी छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश का दंगल अभी और जबरदस्त होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहा है, नेताओं का जोर बढ़ता ही जा रहा है। यादव लाइन की लड़ाई खत्म हो गई है, अब लड़ाई बीजेपी के गढ़ में है। चौथे चरण में जहां जहां वोटिंग होने वाली है, पिछली बार वहां बीजेपी की आधी चली थी। उस प्रदर्शन को दोहराने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा रखा है और अखिलेश यादव उसी आंधी को रोकने में लगे हैं। आज हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में सीएम योगी की रैली होगी। पीलीभीत, सीतापुर और बाराबंकी में अमित शाह रैली करेंगे। हरदोई, ऊंचाहर, सुल्तानपुर, अमेठी में अखिलेश यादव की रैली होगी। लखनऊ और हरदोई में प्रियंका गांधी रोड शो और रैली करेंगी और सुल्तानपुर में ओवैसी वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म है और रविवार को तब और गर्म हो गया जब अखिलेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दरअसल अखिलेश यादव रविवार को सैफई अभिनय विद्यालय में बने बूथ पर वोट डालने गए थे। इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे। अखिलेश ने वोट डालने के बाद बूथ पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। अब बीजेपी बोल रही है कि अखिलेश यादव वोटिंग पर प्रभाव डालना चाहते थे और अखिलेश अब सफाई दे रहे हैं। बड़ी जगह शिकायतें हुई है, बड़ी जगह मशीनें खराब है, बड़ी जगह अधिकारियों ने भेदभाव किया है। कई जगह पर सूचना आई जहां पर सेंट्रल फोर्स ने भी व्यवहार अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डरा नहीं, लड़ता रहा और परिणाम यह है कि तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी पीछे चली गई। करहल में हुई वोटिंग के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की जमानत जब्त होने का दावा किया है। करहल में अखिलेश यादव मतलब हार रहे, एसपी बघेल जीत रहे हैं। 100% अखिलेश यादव हारेंगे, एसपी सिंह बघेल जीतेंगे, सपा की जमानत जब्त होगी। कल सैफई में मुलायम सिंह यादव का परिवार एकजुट नजर आया। मुलायम सिंह के सभी भाई एक साथ दिखे। चुनाव प्रचार और मतदान ने जैसे यादव कुनबे में एकता का जोड़ लगा दिया। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाई साख की लड़ाई है। यहाँ से देखिए सभी सीटें, आसपास के सभी जिलों की सीटें समाजवादी गठबंधन ही जीतेगा। और देखिए ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी में, प्रयास तो करेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। यादव परिवार जहां जीत के दावे कर रहा है, वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी ने दावा किया कि करहल सीट एसपी के हाथ से जा रही है। जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे, वो भी हाथ से निकल रही है। आपको याद होगा जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। यूपी की तरह पंजाब में भी वोटिंग के दौरान चुनाव आयोग के पास कई शिकायतें पहुंची और शाम होते होते दो मामले दर्ज किए गए। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल और केजरीवाल दोनों के खिलाफ चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। दोनों के खिलाफ आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन का आरोप लगा। दोनों पार्टियों ने सोशल मीडिया के जरिए वोटिंग के दिन एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड किए, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ वोट डालने को कहा। अब तो इलेक्शन हो चुके, अब तो वोटों का चक्कर नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, आम आदमी में कोई बदलाव नहीं है। अगर कांग्रेस से हटकर आम आदमी आती है, कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वही राजनीतिक लोग हैं। वो भी नहीं है, घसे पिटे के राजनीतिक लोग हैं जिनको चारों तरफ से नकार दिया गया, वो आम आदमी में जाके शरण ले लेता है और दूसरे दोया जाता है वो वहाँ। इसलिए कोई बदलाव वाली पार्टी नहीं है ये, इनमें कोई क्रांतिकारी नहीं है, ये भगत सिंह का कोई चेला नहीं है,
ये सब राजनीतिक हैं और राजनीति से गिरे हुए हैं। एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने का पता नहीं क्या असर हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश हो या पंजाब, दोनों राज्यों में वोटिंग परसेंटेज 60% से ज्यादा रहा। अब सारा फोकस यूपी के चौथे चरण पर है, जहां हर दौर के बाद मुद्दे बदल जाते हैं। पश्चिमी हिस्से में चुनाव धर्म के मुद्दे पर लड़ा गया, दूसरे में हिजाब का मुद्दा आया, उसके बाद चुनाव शिफ्ट होकर परिवारवाद की पिच पर आ गया। चौथे चरण का प्रचार आज भले ही थम जाएगा, लेकिन हवा किसकी चलेगी अब जनता तय करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।